वेलकम टू सुपर फास्ट इंग्लिश एकेडमी। दोस्तों आप सुन रहे हैं राम सर को। दोस्तों आप देख सकते हैं एयरफोर्स का कल रिजल्ट आने वाला है मॉर्निंग यानी 11 o'clock। चिंता मत करिएगा, मैं आपके साथ प्रेजेंट रहूँगा। और देखो ये जो दिन है वो बाकी में मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है और आपके लिए तो, क्योंकि आपकी लाइफ का सवाल है। कल जो है वो आपका रिजल्ट आएगा, आपने जितनी मेहनत की वो सबका जो भी रिजल्ट है वो कल डिक्लेयर हो जाएगा। तो इस वीडियो में सिर्फ पढ़ाऊंगा नहीं, आज हमारी और आपकी बातें थोड़ी बहुत हो रही हैं। आप देखिए कल जो आपका रिजल्ट आएगा, पिछली बार मैंने देखा था कि काफ़ी सारे कैंडिडेट्स जिनका रिजल्ट अच्छा नहीं आया था तो वो इतने ज़्यादा डिप्रेस्ड थे, इतने ज़्यादा परेशान थे। मैंने उसी को ध्यान में रखते हुए मैं आपको सिर्फ ये बोलना चाहूँगा, देखिए रिजल्ट हमेशा या तो आप फेल होते हैं या पास होते हैं, सिर्फ यही होता है ना। अगर आपका रिजल्ट बेस्ट आता है तो बहुत अच्छी बात है, आप पास हो जाएंगे। इसके बाद मैं आगे आपको गाइड करूंगा, आगे जो भी आपकी ज़रूरत है वो आप मुझसे मांग सकते हैं और मैं आपकी ज़रूर जितना मुझसे हो पाएगा उतना पॉसिबल आपकी हेल्प की जाएगी। इसके बाद जिनका भी रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, अब इतने सारे लाखों बच्चे हैं, अब जाहिर सी बात है कि सारे बच्चे तो पास नहीं हुए होंगे, कुछ गलतियाँ कुछ कमियाँ जिनकी वजह से उनका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। तो उनके लिए बेसिकली अभी तो यहाँ पर क्लैरिफाई करना बिल्कुल गलत होगा, तो जिनका भी रिजल्ट ख़राब आता है तो उनको बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है, क्योंकि जस्ट एक महीने के बाद या फिर 1.5 महीने के बाद अभी क्लियर नहीं है, ये सिर्फ प्रेडिक्शन है कि उसके बाद फिर नई वैकेंसी आ जाएंगी एयरफोर्स की और दोबारा से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो देखिए जो भी जिन्होंने अभी 12th class किया है तो उनके लिए पहला अटैम्प्ट था और पहले अटैम्प्ट में आप ज़्यादा उम्मीद ना रखें। आपके साथ अब तक हम रहे, आज तक भी रहेंगे और आगे आने वाले एग्ज़ाम तक भी रहेंगे, तो बिल्कुल फिक्र मत करें, चिंता ना करें। और बेटा जैसा भी आपका रिजल्ट रहे मुझे ज़रूर बताना, उम्मीद करता हूँ आप सभी का रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, बेस्ट ऑफ लक। मेरी तरफ से बस यही उम्मीद था, कल आपका रिजल्ट आने वाला है तो मैंने सोचा चलो बच्चों को विशेस कर देता हूँ। और देखो बेटा जो भी आपको प्रॉब्लम आए उसे छुपाना मत, प्रॉब्लम हो जरूर शेयर करना कमेंट बॉक्स में और अपने पेरेंट्स वगैरह का नंबर उसमें मत डालना, क्योंकि वो पब्लिक होता है कमेंट हर जगह पल के रिगार्डिंग। तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, क्या होता है ना व्हाट्सएप के जरिए मैं बहुत सारे बच्चों को रिप्लाई नहीं कर पाता, देख भी नहीं पाता हूँ, क्योंकि वो हज़ारों की संख्या में मैसेज आते हैं तो बच्चों को फिर बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। लेकिन कमेंट यदि आप यूट्यूब पर करेंगे तो उसका फ़र्क नहीं पड़ता है, बट मैं उसे रीड कर सकता हूँ पढ़ सकता हूँ और पॉसिबल रहेगा तो मैक्सिमम मैं कॉल करूँगा, बट नंबर वही डालना जिनकी प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, बहुत बेचारे परेशान हैं कि नहीं सर से बात करना ही है, तो मैं बिल्कुल आप सभी की मदद करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आपके जो कल रिजल्ट है उसके लिए शुभकामनाएं आप सभी को। और बेटा ये देख लेना आपका जो कल रिजल्ट आने वाला है वो आपको फ्यूचर को भी ब्राइट कर सकता है। कल जो भी रिजल्ट आएगा जितने भी कैंडिडेट्स का, उसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कि आपको थैंक यू बोलेंगे बार बार कि हमारा एग्ज़ाम क्वालिफाई हो गया सर, बहुत बहुत थैंक यू, तो बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन सबसे बड़ा बुरा उस बच्चे का लगेगा कि जिनको मैं जानता हूँ, जिनके मैसेज आते हैं कमेंट आते रहते हैं, मैंने फेस उनका जो आईडी होता है उस पर लगी हुई फ़ोटो से पहचानता हूँ। तो बेटा बिल्कुल चिंता मत करना, ठीक है, और जो भी अगर मुझे लगेगा कि आपको इन्फॉर्म करना है वो मैं मॉर्निंग में आपको कर दूंगा। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।